राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। क्या कह रहे हो शेखर भाई, आज तो पहचान में नहीं आ रहे हो। तो देख लो भाई, आज भाई हमें प्रेम नगरी वृंदावन में, जैसे कल के व्लॉग में हमने आपको दिखाया था मथुरा और रात का प्रेम मंदिर, आज जा रहे हैं हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी की होली दिखाएंगे आपको। बाकी दोस्तों आनंद पूरा आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है फुल आनंद। तो भाई अब चलते हैं सामने प्रेम मंदिर, जैसे रात को दिखाया था दिन का प्रेम मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, दिन में कैसा लगता है। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग नए हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, काफ़ी आनंद आने वाला है आज व्लॉग में। तो चलते रहो। बाकी मेरे लुक कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हो, पूरे राजस्थानी लग रहे हो, कैसे ही मान लो भाई। तो चलते रहो, चलते हैं, चलो 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 चलो, राधे राधे। तो आ गए हैं पूरे, राधे राधे लिखवा लिया है दोनों तरफ से, और प्रेम मंदिर सामने आ चुका है बिल्कुल। और प्रेम मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको दिन में कैसा लगता है प्रेम मंदिर। तो गाइस ये प्रेम मंदिर से पहले है कृपाधार जगतगुरु कृपालु धाम, और सामने देख लो हमारे अम्मा जी जा रहे हैं, और भीड़ हो रही है पूरी पूरी बढ़िया वाली। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सामने प्रेम मंदिर जो मैंने आपको रात में दिखाया था। ये देखो भाई क्या ही सुंदर लग रहा है, राधे राधे। रात में लाइटनिंग शो होता है जब, और भी जबरदस्त लगता है। जिस भाई जिसने नहीं देखा हो रात वाली, कल वाली वीडियो जाकर देख लो, कल हमने कृष्ण जन्मभूमि की होली और वृंदावन की होली दिखाई थी राधे प्रेम मंदिर की। बाकी अब आगे जा रहे हैं हम बांके बिहारी के दर्शन करने, तो भाई चलते हैं, भीड़ हो रही है बहुत ज़बरदस्त। राधे राधे। तो दोस्तों कान्हा नगरी मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल, यहाँ पर होली के रंग कई दिन पहले ही चढ़ जाते हैं। करीबन 27 तारीख से होली स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर, और होली 8 तारीख की है जैसे आपको सभी लोगों को पता है। तो भाई दुनिया की सबसे मशहूर होली मानी जाती है ब्रज की होली, तो भाई ब्रज की होली आपको घर बैठे बैठे दिखा रहे हैं, तो देखते रहो और इन्जॉय करते रहो। तो यहाँ से शुरू होता है परिक्रमा मार्ग, बांके बिहारी परिक्रमा मार्ग। तो भाई रात मैंने परिक्रमा की थी लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि लेट नाइट हो रही थी और मेरा मन भी नहीं था, मैं थोड़ा उस टाइम पे भक्ति में लीन था। तो इधर से शुरुआत होती है, और ये देखो होली के रंग चढ़ रहे हैं सड़कों पे, गुलाल ही गुलाल है, इधर से ख़त्म होती है। तो अब सामने जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने, बांके बिहारी मंदिर सामने ही है बिल्कुल, थोड़ा सा और चलना है बस। पहले तो चलते चलते आता है प्रेम मंदिर, और उसके बाद आता है इस्कॉन टेम्पल, द वर्ल्ड फेमस इस्कॉन टेम्पल, जो हम कि आपको रात नहीं दिखा पाए थे। तो आज के व्लॉग में पहले बांके बिहारी जाएंगे और फिर उसके बाद आपको इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती भी दिखाएंगे। दुनिया भर में मशहूर है इस्कॉन टेम्पल वृंदावन वाला। तो भाई बांके बिहारी की गलियों में आ गए हम फिलहाल, ये देखो इन गलियों से होके अब बांके बिहारी के मंदिर पहुंचेंगे हम। ये देखो पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। Yeah.
तो दोस्तों बांके बिहारी के दर्शन हो गए, आपको भी करा दिया मैंने, काफ़ी मज़ा आया। और होली खेलने में बड़ा मज़ा आया अंदर, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी यार वहाँ, तो बहुत बुरा हालत हो रही थी मतलब, पर दर्शन करके सब कुछ ठीक हो गया। बाकी देख लो अब खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल बांके बिहारी मंदिर की साइड में बाहर ही। तो दोस्तों बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब फिलहाल जा रहे हैं हम इस्कॉन टेंपल, जो हम आपको रात नहीं दिखा पाए थे। बाकी देख लो होली का पूरा जुनून हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया माहौल बन चुका है होली का। तो बिल्कुल सामने हमारे इस्कॉन टेंपल है, आज आपको इस्कॉन टेंपल के अंदर लेके चलते हैं। तो बने रहो, देखते रहो मेरे साथ ब्रज की होली, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, और बाकी देखते रहो लास्ट तक। तो गाइस इस्कॉन टेंपल के अंदर आ गए, बाकी एक फॉरेनर्स का ग्रुप है हमारे सामने। वही इस्कॉन टेंपल में बहुत सारे फॉरेनर्स मिलते हैं हमें यहाँ पे, एक ग्रुप ये जा रहा है यहाँ पे। इस्कॉन टेंपल में बहुत ही तकड़ी वाइब आ रही थी, बहुत ही मज़ा आया अंदर। बाकी हमने दिखा दिया चारों तरफ हरे रामा हरे कृष्णा यही धुन चल रहे थे, इंडियन फॉरनर सभी के मुंह पे यही गिरार था। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे आज का व्लॉग, और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल है। मेरा बहुत दिन से मन था कि मथुरा जाऊँ मथुरा वृंदावन की होली को इंजॉय करूँ। बाकी वीडियो को देखते रहो, अभी आके और भी दिखाऊँगा, अभी बरसाना भी जाएँगे हम, तो देखते रहो वीडियो, आज बहुत सारा कंटेंट लाया हूँ आपके लिए। अब वृंदावन से फिलहाल चल दिए हम बरसाना राधा रानी के मंदिर पे, क्योंकि बरसाना भी एक मतलब अगर ब्रज की धरती पर आते हैं तो बरसाना भी एक बहुत ही बड़ा नाम है यहाँ पे, क्योंकि राधा रानी का मंदिर है, राधा रानी वहीं पे रहती थी। तो अब चलते हैं राधा रानी के मंदिर बरसाना, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होली खेली जाती है, जो मतलब होली का त्यौहार का जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है यहाँ पे ब्रज में, वो बरसाना से होता है, 27 तारीख में स्टार्ट होता है, वहीं पर लटमार होली फिर लड्डू होली वहीं पर खेली गई थी। तो फिलहाल चलते हैं बरसाना और दिखाते हैं। बरसाना में भाई हार्दिक स्वागत हो चुका है हमारा, जैसे कि हमारी परी ने बताया अभी, बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। अब राधा रानी के मंदिर जाएंगे। राधे राधे। तो बरसाना पहुंच चुके हैं, और सामने आपको दिख रहा होगा वो है भाई राधा रानी मंदिर, पहाड़ के ऊपर है थोड़ा सा। तो अब जा रहे हैं राधा रानी मंदिर में, बाकी जाम बहुत तगड़ा लग रहा था, तो मामा जी तो पीछे रह गए गाड़ी के अंदर ही, हम जा रहे हैं वहाँ। तो दोस्तों पहुँचने वाले हैं राधा रानी मंदिर,
बरसाना। बाकी माहौल देखो भाई, पूरा फेस्टिव माहौल बिल्कुल बढ़िया वाला हो रहा है। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल से सजे धजे, गुलाल में डूबे हुए लोग दिख रहे हैं चारों तरफ। मज़ा आ रहा है काफ़ी, राधे राधे की गूंज चारों तरफ, मन को अंदर तक झंझोर कर रख रही है। भाई साहब थोड़ा हिंदी में हाथ ढिल्ला है मेरा, मतलब जो प्योर हिंदी है, बाकी अपनी वाली तो हम बोल ही लेते हैं, तो अकराते हैं आपको। वैसे भाई मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, तो शायद राधा रानी के दर्शन ना हो पाए, बट मंदिर आपको दिखा देते हैं। राधे राधे, पहुंच गए राधा रानी टेम्पल। ये देखो ऊपर यहाँ होली खेली जा रही है। अरे हरे क्या ही मस्त व्यू है यहाँ पे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देख लिया क्या माहौल है यहाँ पे, मजा ही आ गया भाई यहाँ पे। तो बरसाने में दिखाने के लिए, जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर था, ऐसे ही बरसाने में कीर्ति मंदिर है। मैं आपको देखो दोस्तों क्या ही सुंदर द्वार बना रखा है। बाकी अंदर से अभी शायद ये क्लोज है, अभी ओपन नहीं है, तो अंदर से मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, बाहर से देख लो। बहुत ही सुंदर है, प्रेम मंदिर की तरह ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों बरसाने के बाद फिलहाल चल दिए हम घर। हमारा ब्रज की होली का ट्रिप इतना ही था, मथुरा वृंदावन और फिर बरसाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दोनों वीडियोस पसंद आई होंगी। तो भाई जो दूसरी वाली वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मतलब स्पेशल तो मेरे लिए दोनों ही है खैर। तो भाई जिसको वीडियो पसंद आई हो ना, एक बार राधे राधे लिख दो कमेंट में और वीडियो को लाइक कर दो। और जो लोग नए हों और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाओ प्यार से, खूब रंग उड़ाओ, खूब गुलाल उड़ाओ, मजे लो जिंदगी के। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।